दशहरा देश विदेश से जुड़े सभी वर्ग के हिंदू रिचुअल परिवार के भाइयों और बहनों का आपके अपने परिवार में पुनः स्वागत है। बंधुओं, हनुमान जयंती की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बरसती रहे और राम जी के चरणों में भक्ति मिले, पापों से कष्टों से मुक्ति मिले, यही प्रार्थना है। कुछ लोग कहेंगे गुरु जी हनुमान जयंती नहीं बोलते हैं, हनुमत जन्मोत्सव बोलते हैं। हनुमत जन्मोत्सव बोलना उचित है, पर हनुमान जयंती बोलना अनुचित है, गलत है, ये कदापि नहीं है। इसके बारे में कभी अलग से वीडियो पर चर्चा करेंगे। हनुमान जयंती हम कैसे मनाएं, स्वयं उनकी स्थापना पूजा कैसे करें, कैसे हम व्रत रहें, ये पूरा वीडियो आपके चैनल पर अपलोड है। आप क्लिक करके देख सकते हैं, जान सकते हैं, हनुमान जी की विशेष आराधना कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ से वीडियो देख करके आप जान सकते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आज का जो विशेष प्रश्न है, दो बहनों ने नाम मैं भूल रहा हूँ प्रश्न किया, गुरुजी क्या लेडीज हनुमान जी की सेवा कर सकती हैं? पहले भी प्रश्न आया था, तो मेरे सभी बहनों से कहना है कि निश्चित कर सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप पूरे मन से सेवा कीजिए, ये लोगों का भ्रम है, इस भ्रम में हमें नहीं पड़ना चाहिए। आप सोचिए, एक सूर्य को हम लोग क्या 5 सेकंड पूरी नंगी आंखों से देख सकते हैं या 1 मिनट देख सकते हैं? हमारे अंदर इतनी क्षमता है नहीं ना। आग को हम कितनी देर छू सकते हैं? तो एक तो एक सामान्य आग है और एक तो सूर्य है, तो ऐसे करोड़ों सूर्य की आभा हनुमान जी में विराजमान है। एक दो सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य की आभा, उनसे हम अपनी तुलना करते हैं। लोग जो है, जो लोक व्यवहार में है कि सामान्य व्यक्ति का जो है सुंदरी स्त्री को देखा या उनको देखा तो मन उसका बहक जाता है, भ्रम हो जाता है, वो नियम जो है हनुमान जी पर लागू करते हैं, जो कि लगाना बहुत ही गलत है, बिल्कुल नहीं मेरे भाई बहन। उनके आगे तो हम लोग जो है सोचिए एक कण के बराबर भी नहीं, एक राई के बराबर भी नहीं। आप आम जीवन में ही देखिए कि जो हमारी बहन है या बेटियां हैं जिनका विवाह होने की उम्र है, वो भी अगर छोटे शिशु को लेती हैं तो बड़े प्यार से गोदी में खिलाते हैं, उनके मन में भी कोई विकार नहीं रहता है, न शिशु के मन में रहता है। तो हम लोग तो शिशु के बराबर भी नहीं है, एक राई के बराबर भी नहीं है। और हनुमान जी महाराज, अतुलित बल धामम हेम शैलाव देहम धनुजन कृषानुम ज्ञान नामक ग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सोचिए सकल सदगुणों से परिपूर्ण है। तो ऐसे हनुमान जी के प्रति हम ऐसी सोचें तो गलत है। इसलिए आप सभी लोग पूरी तरह से पूजा कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, उनको अपना बड़ा भाई मानिए, छोटा भाई मानिए, उनको गुरु मानिए, उनको अपना सखा मानिए, जो भी जिस रूप में मानेंगे वो आपका परम कल्याण करेंगे। और मेरे जीवन में जो हनुमान जी की कृपा आई है, हमारी माता जी के वो अनन्य थे, तो उनसे कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा प्राप्त हुआ है। इस मामले में तो मेरी माँ ही हमारी गुरु हैं। दूसरी बात यह कि हाँ, पूजा जब नहीं करना, अन्य देवताओं की पूजा नहीं करना है, हम अशुद्ध हैं उस अशुद्धावस्था में, तो बिल्कुल हमें किसी देवता की पूजा नहीं करनी, तो हनुमान जी की भी नहीं करना। हाँ, महिलाओं को शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसमें दुखी होने की, नाराज होने की, छोटा बड़ा होने वाली कोई बात नहीं है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है, तो इसलिए जबरदस्ती उसमें ऐसा करना नहीं है। हाँ, अगर एक अवस्था क्रॉस कर ले जाए तो ठीक है उस रूप में, पर उसके लिए हमें बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। आप लोगों को तो इतना नियम व्रत करते हैं कि उसी से फुर्सत मिलना मुश्किल है, तो अनावश्यक जो है उन चीजों में न पड़े। तो दूसरी बात यह है कि जब हमको किसी को नहीं, किसी भगवान की पूजा नहीं करना है, दूसरी बात जिस मंदिर में निषेध है केवल जो है पुजारी जी ही अंदर जाते हैं, सेवा करते हैं, बाहर से दर्शन करते हैं, वहां हमको उस रूप में चाहे हम पुरुष हैं चाहे महिला है, उस मंदिर की मर्यादा का हमें सम्मान करना चाहिए। जहां पर सभी लोगों को अनुमति वहां अनुमति है, विशेष करके जो भगवान हनुमान जी का फोटो है या अष्ट धातु पंच धातु पीतल में जो है अथवा चांदी में उनका स्वरूप है, उन सब की हम लोग पूजा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। इसका शास्त्रीय प्रमाण भी कभी समय मिलेगा तो विधिवत में उसका अलग से डालने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए निसंकोच हनुमान जी को अपना बड़ा भैया मानिए, छोटा भैया मानिए, जिस रूप में मानिए, स्वामी मानिए, सखा मानिए, और वो उसी रूप में आपका कल्याण होगा। कहीं किसी प्रकार से 2 से 1% भी नहीं है, पूरा मन लगा करके इन सारे विकारों से हट करके रहें कि हमें पूजा करनी चाहिए। कुछ बच्चों ने भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि गुरुजी जो है, हम लोग स्टूडेंट हैं और जैसे माता जी की पूजा लाल कपड़ा में, हनुमान जी की लाल कपड़ा में, अब हम विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं तो हम पीला कपड़ा में कैसे करें? तो ये जो है शायद इसका नाम सचिन नाम है बच्चे का, तो हम कैसे करें?
तो बंधुओं इसमें यह है कि जब हम कोई विशेष पूजा करते हैं, मान लिया नवरात्रि हो गई अथवा रामनवमी है अथवा नरसिंह अवतार है, कुछ उस तरह से पूजा है, तो फिर हम उनका विशेष धारण करते हैं। नहीं, सामान्यतः जो है हर कपड़ा हर के लिए चल सकता है, ऐसा कोई नहीं कि इनके लिए ही कपड़ा ही चाहिए। और हाँ, धुला हुआ हो, साफ हो, स्वच्छ हो, और हम पवित्र आत्मा हो, पवित्र मन से हो, और कपड़ा साफ पहने हो, धुला हुआ कपड़ा पहने हो, भले इस्त्री किया ना हो, तो वो उत्तम माना गया। इसलिए कपड़ों उपड़ों पर मत जाइए। हाँ, धोती लांग लगाना इसका विशेष महत्व है, पर नहीं है तो जो हो सकता है उस तरह से रहिए। शौच इत्यादि जाकर के आए, स्नान इत्यादि करके, धुला हुआ कपड़ा धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। तो बंधुओं, और दूसरी बात, हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। कम से कम कितना दिन हो गया, अभी लाखों परिवार को जुड़ना भी 50,000 ही पूरे नहीं हो रहे हैं। कुछ अपने मित्रों को भी बोलिए, बताइए उनको, कम से कम 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो आप लोग मेरे ख्याल से 45,000 से ज्यादा आप लोग हैं। तो अगर 10-10 को जोड़ दिए तो एक एक महीने के अंदर जय जय सिया राम, आपके परिवार एक सम्मानित स्थान में पहुंच जाएगा। तो चैनल को भी बढ़ाइए और घंटी भी का बटन दबाइए, जिससे हो रहा है कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो तो इंस्टाग्राम पर कई लोग मुझसे नंबर मांग रहे हैं। अभी हमने उतनी, हमारी बड़ी व्यवस्था नहीं कि हम अलग से एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकें, एक नंबर रख सकें। फिर वो व्यक्ति वैसा होना चाहिए जो सही मार्गदर्शन कर पाए। जय जय सिया राम, आज के वातावरण में उसकी भी बड़ी मेरी इच्छा रहती है मैं स्वयं उत्तर दूं, तो उसकी बड़ी समस्या है। तो सब चीजें चल रही हैं, तो इसलिए अभी मैं नंबर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अपना कहीं ना कहीं सेवा के लिए भगवान की जाना पड़ता है। अब दिन भर फोन बजता रहेगा तो यजमान भी बुलाना बंद कर देंगे, कहेंगे गुरु जी तो बहुत फोन बज रहा है आपका, मुझे स्वयं अच्छा नहीं लगता, मैं स्वयं नहीं उठाता हूँ। तो इसलिए जो है ये निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, जो बहुत अत्यावश्यक प्रश्न है तो इंस्टाग्राम पर, या तो आप यहीं पर अपना नंबर डाल दीजिए, या इंस्टाग्राम पर जो है आप अपना नंबर डाल दीजिए, मैं अपना नंबर दे दूंगा। और धन्यवाद उनको जो 4-5 भाइयों को नंबर, बहनों को दिया हूं, पर उन लोगों ने सार्वजनिक नहीं किया है, उनकी बड़ी कृपा है, वो कृपा ही मैं मानता हूं। तो इसलिए वहां इंस्टाग्राम पर आपको मैं अपना नंबर दे दूंगा, या आप अपना नंबर दे दीजिए, हम लोग बात कर लेंगे और जो भी उचित उपाय होगा उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। पूजा पाठ से संबंधित कृपया यूट्यूब पर ही क्वेश्चन करें, वहां अपने व्यक्तिगत प्रश्नों को लेकर करें। कुछ लोग इंस्टाग्राम पर भी अनावश्यक प्रश्न करते हैं, तो कृपया समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। जय सियाराम।